been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. हेलो गाइस, वेलकम टू द एवेंजर्स। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज होगी, जो कि मार्वल फेज 4 की पहली मूवी होने वाली है। तो इस मूवी में काफी कुछ आपको देखने मिलने वाला है। जी हाँ, तो पहले पार्ट में माइल्स मोरेलिस, ग्वेन स्टेसी, काफी सारे ऐसे सीन थे जो कि जॉन यानी कि जो स्पाइडरमैन होमकमिंग के डायरेक्टर है, उन्होंने डिलीट मार दिए। तो ऐसे ही एक सीन का बिहाइंड द सीन लॉन्च हुआ था, जिसमें कि स्पाइडरमैन एक पार्टी में जाता है और ग्वेन स्टेसी को हवा में लटकाता हुआ एक वीडियो लेटर बनाता है। उसके बाद एक माइल्स मोरेलिस का सीन होता है। तो ये सारे सीन जॉन ने डिलीट मार दिए थे और उन्होंने ये सारे खास सीन सेकंड पार्ट के लिए रख रखे थे। तो फाइनली ईस्टर एग निकलता है डायरेक्टेड बाय जॉन वेड। आपको इसके पीछे माइल्स मोरेलिस का मार्क्स तो दिख ही रहा होगा और आगे स्पाइडरमैन का। तो ये एक ईस्टर एग है आगे के लिए अपकमिंग, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग 2 में दिखेगा, और जिसके अंकल प्रो व्हीलर, जो कि आपको एक रेफरेंस में तौर पे देखे थे स्पाइडरमैन के पहले पार्ट में। तो 100% इस ईस्टर एग से ये कंफर्म होता है कि माइल्स मोरेलिस सेकंड पार्ट में जरूर आएगा और ग्वेन स्टेसी भी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर वल्चर के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।